हिंदमाता समेत कई इलाके बुरी तरह से प्रभावित हुए। इन इलाकों में सड़कें एकदम समंदर जैसी नजर आने लगी। सड़क पर इतना पानी भर गया कि आना जाना तक दुश्वार हो गया। सिर्फ हिंदमाता ही नहीं बल्कि परेल, खार, अम्बोली में भी जलजमाव है। इतना ही नहीं, विलेपार्ले, महालक्ष्मी रोड, पेडर रोड, तारदेव जैसे इलाकों में भी सड़कें पानी पानी हो गई हैं। मुंबई के रिहायशी इलाके जुहू, अंधेरी, गोरेगांव, जोगेश्वरी भी पानी से लबालब हो गए हैं। इतना ही नहीं, कुर्ला, भांडुप, सायन, नवी मुंबई की सड़कें और गलियां भी पानी में डूब गई हैं। कल पूरी रात मुंबई के कई इलाकों में बारिश हुई जो कि सुबह तक जारी रही। कल रात हुई बारिश के चलते सड़क पर जमा पानी अभी तक निकल भी नहीं पाया है और आज फिर से बारिश हो रही है। आलम यह है कि सड़कों पर बाढ़ जैसा मंजर है। कल रात मुंबई में हुई बारिश में महानायक अमिताभ बच्चन का घर भी प्रभावित हुआ। जुहू में अमिताभ के बंगले जलसा के बाहर सड़क पर पानी भर गया, साथ ही अमिताभ के बंगले के सामने वाली सड़क भी लबालब हो गई। बारिश की वजह से सड़कों पर जलजमाव तो हुआ ही, साथ ही देर रात आई हाई टाइड के चलते भी सड़कों पर पानी भर गया है। बीती रात 2:40 पर हाई टाइड आई थी और समंदर में 4.40 मीटर ऊंची लहरें उठी थी। लगातार होती बारिश के बीच में आज फिर से मुंबई में हाई टाइड का अलर्ट जारी किया गया है। दोपहर करीब 3:13 पर आने की संभावना जताई गई है। समंदर में करीब 5 मीटर तक ऊंची ऊंची लहरें उठने की बात भी कही गई है। हाईटाइड को देखते हुए बीएमसी ने अलर्ट जारी कर दिया है। समंदर के करीब न जाने के लिए कहा गया है। मौसम विभाग ने 17 जुलाई को भी हाईटाइड आने की संभावना जाहिर की है। मछुआरों से कहा गया है कि समंदर में न जाएं। मुंबई के पास समंदर में फंसा कमर्शियल जहाज धीरे धीरे डूबता जा रहा है। समंदर की तेज लहरों और बारिश की वजह से जहाज को बचाने का अभियान शुरू नहीं हो पाया। हालांकि जहाज में सवार लोगों को पहले ही बचा लिया गया। इंदौर में भी भारी बारिश हुई। भारी बारिश से शहर में सड़कों पर कई जगह पर पानी भर गया जिसके चलते लोगों को आवाजाही में दिक्कतें आईं। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया। फायरिंग में 3 जवान गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। पाक की तरफ से बीएसएफ की पोस्ट को निशाना बनाकर फायरिंग की गई। पाकिस्तान की ओर से हुई फायरिंग में जख्मी हुए जवानों को इलाज के लिए जम्मू लाया गया है। आरएसपुरा में ये जवान बीएसएफ की पीसल पोस्ट में तैनात थे। पाकिस्तान की फायरिंग के बाद भारतीय जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। श्रीनगर में आर्मी के ट्रक से हुए हादसे पर जमकर बवाल हुआ। प्रदर्शनकारियों के हंगामे पर काबू पाने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग की। लोगों ने पुलिस पर पथराव किया जिसके जवाब में पुलिस वाले भी पत्थर फेंकते हुए नजर आए। दरअसल यहां पर आर्मी के बेकाबू ट्रक ने एक टवेरा को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में 6 लोगों की जान चली गई थी। हादसे के बाद लोगों का गुस्सा फूटा और लोग सड़क पर उतरकर हंगामा करने लगे। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। फिलिस्तीन पर इसराइल के हमले के विरोध में श्रीनगर के नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जोरदार प्रदर्शन किया। श्रीनगर में संयुक्त राष्ट्र के एक दफ्तर के बाहर अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद से पत्रकार वेद प्रताप वैद्य की मुलाकात में आईएसआई का भी लिंक देखा जा रहा है। पाकिस्तानी पत्रकार हाफिज चाचर ने दावा किया है कि यह मुलाकात आईएसआई की मर्जी के बगैर होनी मुमकिन नहीं थी। पाकिस्तानी पत्रकार चाचर का मानना है कि हाफिज सईद से कोई भी भारतीय आईएसआई की मर्जी के बिना नहीं मिल सकता। चाचर के इस खुलासे के बाद सवाल उठने लगा है कि मुलाकात कहीं आईएसआई ने तो नहीं करवाई है। हालांकि हाफिज सईद से मुलाकात करने वाले वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक पर शिवसेना भड़क उठी है। पार्टी मुखपत्र सामना में उद्धव ठाकरे ने वैदिक को जमकर लताड़ लगाई है। उन्हें प्रचार का भूखा तक बताते हुए पाकिस्तान भेजने की मांग की है। सामना में लिखा गया है कि वैदिक महाशय जब हिंदुस्तान के कट्टर दुश्मन से मिल रहे हैं तो उनके चेहरे पर ऐसे भाव हैं जैसे वो किसी महान समाज सेवक से मिल रहे हों। हाफिज सईद जैसे राक्षस के साथ एक पत्रकार हंसते हंसते फोटो निकालता है और ये अपने आप में भयंकर पाप है। यहां तक लिखा गया है कि प्रचार पाने के लिए अपने शरीर के सारे कपड़े उतारकर न्यूड तस्वीरें खिंचवाने वाली पूनम पांडे को तो एक बार माफ किया जा सकता है, लेकिन हाफिज सईद से मिलकर उसे उपकार भाव में बातचीत करने वाले को माफ नहीं किया जा सकता। सामना में लिखा गया है कि हाफिज से इस प्रकार मिलना राष्ट्रद्रोह जैसा ही अपराध है और सरकार को इस पर कड़े कदम उठाने चाहिए। वैदिक को फिर से पाकिस्तान एयरलाइंस में बिठाकर इस्लामाबाद भेज देना चाहिए, ऐसी देश की जनता की इच्छा है। शिवसेना ने सरकार से मांग की है कि वैदिक पर राष्ट्रद्रोह का केस चलाया जाए। पार्टी प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि हाफिज से मिलने वाले वैदिक पर कसाब की तरह मुकदमा चलना चाहिए। ये देशद्रोह का मामला बनता है, ये कोई सामान्य मामला नहीं। जिस प्रकार का मुकदमा कसाब पे चला था देशद्रोह का, अब्दुल गुरु पे चला था, इसी प्रकार का मुकदमा ऐसे व्यक्ति पे चलना चाहिए।
वेद प्रताप वैदिक ने कहा कि वो किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर संसद में बुलाया जाता है तो वहां अपनी स्थिति साफ करने के लिए वो तैयार है। सत्यव, आपको कानूनी प्रक्रियाओं का सामना करना जरूर करूंगा, मुझे क्या डर है, मुझे क्या डर है? मैं समझता हूं कि संसद अगर मुझे बुलाए तो मैं वहां भाषण देकर सारी स्थिति स्पष्ट करूंगा। वेद प्रताप वैदिक के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चाबंदी तेज कर दी है। बेंगलुरु में यूथ कांग्रेस ने वैदिक के खिलाफ प्रदर्शन किया। वैदिक और आतंकी हाफिज सईद की मुलाकात वाले फोटो जलाकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने वैदिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दिल्ली प्रदेश कार्यालय में आज विधायकों की एक अहम बैठक हुई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मीटिंग में दिल्ली में सरकार बनाने के मुद्दे पर मंथन हुआ। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में यह मीटिंग हुई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने की कवायद में जुट गई है। बीजेपी ने 37 विधायकों का आंकड़ा भी जुटा लिया है और जल्द ही उपराज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। अभी बीजेपी के पास 28 विधायक हैं और उसके सहयोगी अकाली दल के एक विधायक को मिलाकर यह आंकड़ा 29 हो जाता है। खबर है कि बीजेपी कांग्रेस के कुछ विधायक तोड़कर साथ में जेडीयू और निर्दलीय विधायकों को जोड़कर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर पैसे का लालच देकर आप विधायकों को खरीदने का आरोप लगाया है। केजरीवाल के मुताबिक कई विधायकों को 20-20 करोड़ के ऑफर तक दिए गए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने एक ऑडियो संदेश जारी किया है। एफएम और सोशल साइट्स पर जल्द ही यह संदेश जारी किया जाएगा। संदेश में केजरीवाल ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पीएम मोदी से सफाई मांगी है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर अब कांग्रेस विधायकों को खरीदने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा है कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने में असफल रहने के बाद बीजेपी अब कांग्रेस के विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी अब 6 कांग्रेस विधायकों को 20-20 करोड़ का लालच देकर खरीदने में जुटी हुई है। दिल्ली में सरकार बनाने पर कांग्रेस के 2 विधायकों को मंत्री और 4 को चेयरमैन का पद ऑफर किया गया है। केजरीवाल के आरोपों को बीजेपी ने बकवास करार दिया है। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा कि अगर किसी ने 20 करोड़ का ऑफर दिया है तो केजरीवाल सबूत के साथ पुलिस के पास जाएं। ये केजरीवाल जी की फ्रस्ट्रेशन है कि 20 करोड़ रुपया दे रहे हैं, अगर 20 करोड़ रुपया पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट क्यों नहीं कराते जाके। वो कि केजरीवाल फ्रस्ट्रेशन में आ गए, वो हिल गए, मुझे थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है, उनका चेकअप कराना चाहिए, वो घबरा गए। आम आदमी पार्टी के संयोजक और नई दिल्ली से विधायक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गुमशुदगी के पोस्टर लगाए गए हैं। आरडब्ल्यूए की ओर से लगाए गए इन पोस्टर में केजरीवाल को ढूंढ के लाने वाले को इनाम देने की बात कही गई है। इस पोस्टर के जरिए केजरीवाल पर आरोप लगाया गया है कि उनकी अनदेखी की वजह से नई दिल्ली क्षेत्र का विकास ठप हो गया है। लोगों को झूठे सपने दिखाकर उन्होंने जनता से वोट लिया और फिर वहां से गायब हो गए। पोस्टर में केजरीवाल के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली गई है। यूपीएससी परीक्षा से सीसेट हटाने की छात्रों की मुहिम रंग लाती हुई दिख रही है। राज्यसभा में एसपी सांसद रामगोपाल यादव ने मुद्दा उठाया और सरकार से मांगी कि जब तक सिलेबस का मुद्दा हल नहीं हो जाता तब तक परीक्षा नहीं होनी चाहिए। इस मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखते हुए कार्मिक मामलों के मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में जवाब दिया और इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है। कमेटी बहाली में भाषाई भेदभाव की जांच कर सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी जिसके आधार पर सरकार फैसला लेगी। हमने लिखित रूप में उस समिति को यह निर्देश दिया है कि बिना और विलंब किए हुए तुरंत वो इस रिपोर्ट को उपलब्ध कराए ताकि उसका संज्ञान लेकर के आगे की रूपरेखा तय की जा सके। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नाती और प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा आज संसद पहुंचे। रेहान ने संसद की कार्यवाही देखी, हालांकि संसद से निकलने के बाद वो मीडिया से बात करने से बचते रहे। हाल ही में आरएसएस से बीजेपी में भेजे गए राम माधव को पार्टी बड़ी जिम्मेदारी देने वाली है। खबर है कि राम माधव को बीजेपी का महासचिव बनाया जा सकता है। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स विकास बैंक का सपना साकार हो गया। पीएम नरेंद्र मोदी की सलाह पर इसका नाम न्यू डेवलपमेंट बैंक रखा गया। बैंक का मुख्यालय शंघाई में होगा और इसका पहला सीईओ भारतीय होगा। ब्राजील के फोर्टलेजा में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय दिल्ली लाने की कोशिश तो की लेकिन चीन बाजी मार ले गया। हालांकि पहला सीईओ भारत के हिस्से में आया है जिसका कार्यकाल 6 साल का होगा जो बाद में 5 साल का हो जाएगा। ब्रिक्स बैंक की पूंजी 100 अरब डॉलर तय की गई है। हालांकि शुरुआत 50 अरब डॉलर से होगी और सभी सदस्य देश इसमें बराबर का अंशदान करेंगे। हालांकि चीन ज्यादा हिस्से देने पर अड़ा हुआ था लेकिन भारत के विरोध के आगे उसे झुकना पड़ा।
ब्रिक्स देशों ने 100 अरब डॉलर का इमरजेंसी फंड बनाने का फैसला किया। इस इमरजेंसी फंड में चीन सबसे ज्यादा 41 अरब डॉलर का अंशदान करेगा। भारत, रूस और ब्राजील 18-18 और दक्षिण अफ्रीका 5 अरब डॉलर का हिस्सा देंगे। ब्रिक्स देशों ने आधारभूत संरचना के विकास के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने का भी फैसला किया है। इस फंड की शुरुआती पूंजी 10 अरब डॉलर होगी। इस फंड के जरिए ब्रिक्स देशों में सड़कें, ब्रिज, एयरपोर्ट बनाने में मदद होगी। ब्रिक्स सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों को मिलकर आतंकवाद से मुकाबला करना होगा। In confronting global challenges like terrorism, cyber security, and climate change. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स यूनिवर्सिटी बनाने की वकालत की। उन्होंने कहा कि इस यूनिवर्सिटी के जरिए ब्रिक्स देशों के कैंपस एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। ब्राजील के फोर्टलेजा में ब्रिक्स सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच लंबी बातचीत हुई। पीएम मोदी ने पुतिन से द्विपक्षीय मुद्दों के साथ साथ आर्थिक मुद्दों पर भी चर्चा की। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने गुजरात और रूस के संबंधों का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि गुजरात और रूस से संबंध बहुत पुराने और गहरे हैं। उस समय गुजरात से जो व्यापार के लिए लोग समुद्र की यात्रा से उत्तराखंड जाते थे तो उनके रहने व्यवस्था के लिए भी इंडिया हाउस बना हुआ है। यानी गुजरात और उत्तराखंड की निकटता, यानी हर चीज में मुझे महसूस हो रही थी। पीएम मोदी ने रूस से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तारीफ भी की। मोदी ने कहा कि मैं ब्रिक्स सम्मेलन में रखे गए पुतिन के विचारों से प्रभावित हुआ हूं। आज ब्रिक्स समिट में भी मैंने आपके जो विचार सुने, कई विचारों में आपकी बहुत क्लैरिटी थी, और चाहे भारत का विषय हो, चाहे ब्राजील का हो, चाहे अफ्रीकन कंट्रीज का हो, परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप की बात हो, आप आज भी ट्विटर पर अपनी बात को रखा, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। इच्छा मृत्यु पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इच्छा मृत्यु आत्महत्या के समान है, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। इच्छा मृत्यु को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। इच्छा मृत्यु के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस जारी करके सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से पूछा है कि इच्छा मृत्यु को लेकर उनका स्टैंड क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस मांग को भी ठुकरा दिया है जिसमें सरकार ने कहा था कि इच्छा मृत्यु पर संसद में बहस हो और संसद तय करे कि इस मामले में क्या होना चाहिए। सूरत रेप केस में नारायण साईं को राहत नहीं मिली है। सूरत सेशंस कोर्ट ने नारायण की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बेल अर्जी खारिज होने के बाद अब नारायण ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। दिल्ली से कटरा के लिए शुरू की गई श्री शक्ति एक्सप्रेस के एक सुरंग में फंस जाने से यात्रियों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि इंजन में खराबी की वजह से ट्रेन करीब 1.5 घंटे तक एक सुरंग में रुकी रही। ट्रेन को कटरा ले जाने के लिए दूसरा इंजन मंगाना पड़ा। इस ट्रेन को सुबह 5:10 पर कटरा पहुंचा था, लेकिन यह ट्रेन सुबह 7 बजे कटरा पहुंची है। यह ट्रेन आज सुबह 5:10 से सुबह 6:35 यानी कि 1:25 तक सुरंग में फंसी रही, जिससे यात्री बेहद परेशान थे। रेलवे सूत्रों के मुताबिक नई दिल्ली से कटरा जाने वाली ट्रेन कटरा से लगभग 5 किलोमीटर पहले इंजन में आई कुछ खराबी के कारण टनल में फंस गई। ट्रेन पहले से 35 मिनट की देरी से चल रही थी और बारिश और इंजन की खराबी के चलते 1 घंटा और लेट हो गई। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने जयपुर में अक्षर पत्र फाउंडेशन के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। संगठन की ओर से एक महारसोई चलाई जा रही है। यह रसोई हर रोज लाखों बच्चों को भोजन कराती है। क्लिंटन कल यानी कि गुरुवार को लखनऊ जाएंगे, जहां वो अपनी सेवा संस्था द्वारा संचालित स्कूल और सामुदायिक केंद्र का दौरा करेंगे। मध्य प्रदेश में एक और धन कुबेर क्लर्क का पर्दाफाश हुआ है। लोकायुक्त के छापे में जिला पंचायत के क्लर्क के घर से 3 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ। लोकायुक्त की टीम क्लर्क के और ठिकानों पर भी छापेमारी कर रही है। क्लर्क बाबूलाल पटेल के घर पर लोकायुक्त की 10 सदस्यीय टीम ने छापा मारा। छापेमारी में करोड़ों की ज्वेलरी के अलावा 30 बैंक खाते,
एक लॉकर और चार मकानों के बारे में भी पता चला। मामले में लोकायुक्त की जांच जारी है। सुपरफास्ट 100 में आगे बढ़ते हैं और झारखंड के रांची चार मकानों के बारे में भी पता चला। मामले में लोकायुक्त की जांच जारी है। सुपरफास्ट 100 में आगे बढ़ते हैं और झारखंड के रांची माफ कीजिएगा मुंबई के गोरेगांव में एक शिपिंग सेंटर की दीवार गिरने से दो लोगों की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में आठ लोग घायल हो गए जिसमें दो लोगों की हालत गंभीर है। पुलिस ने बिल्डिंग मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। गुजरात के राजकोट में पुलिस ने मजनूओं की जमकर खबर ली। ये लड़के एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान महिलाओं और लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहे थे। पुलिस ने इन्हें पकड़कर बीच सड़क पर उठक बैठक करवाई और माफी मंगवाई। झारखंड के रांची में एक मंचले की जमकर पिटाई हुई। राह चलती छेड़खानी का शिकार कोई पीड़ित लड़की नहीं, आरोपी की सरेराह पिटाई कर दी। थप्पड़ों और चप्पल से लड़की ने उसकी जमकर खबर ली। दिल्ली के सुल्तानपुर में एक इंजीनियर ने अपनी पत्नी और 6 साल के बेटे की जान ले ली। उसने खुद पुलिस को फोन कर यह जानकारी दी और ये कहकर घर से फरार हो गया कि वो खुदकुशी करने जा रहा है। 35 साल के इंजीनियर मुकेश ने प्रेग्नेंट पत्नी और 6 साल के बेटे की हत्या क्यों की, ये साफ नहीं हुआ है। हालांकि बताया जा रहा है कि मुकेश इन दिनों आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। दिल्ली के आदर्श नगर में एक शख्स ने मामूली कहासुनी में अपनी ही भाभी के मोबाइल के चार्जर के तार से गला रेतकर हत्या कर दी। आरोपी विकास अपनी भाभी की बहन से प्यार करता था और शादी करना चाहता था। भाभी ने शादी का विरोध किया तो उसकी हत्या कर दी। दिल्ली के नथुपुरा इलाके में एक लड़का एक महिला को ब्लेड मारकर फरार हो गया। लड़के ने पहले महिला की स्कूटी में टक्कर मारी और फिर हाथ में ब्लेड मार दिया। दिल्ली के बादली इलाके में सड़क किनारे झाड़ियों में एक अज्ञात युवक का शव मिले सहकम मच गया। हत्या किसने की और किस मकसद से की, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में 70 साल के बुजुर्ग की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। लाश को कमरे के अंदर बेड में छिपाकर रखा गया था। मथुरा में एक शख्स ने अपने 4 बच्चों को जहर देने के बाद खुद भी जहर खा लिया। जहर के चलते उस शख्स की तो मौत हो गई जबकि बच्चों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। नोएडा सेक्टर 24 में घर में घुसकर एक नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि जब वो घर में अकेली थी तभी आरोपी ने उसे अपना शिकार बनाया। मेरठ में एक महिला कुश्ती खिलाड़ी ने अपने बॉयफ्रेंड पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया है। पीड़ित लड़की और आरोपी कॉलेज में साथ पढ़ते थे। गुजरात के छोटा उदयपुर में एक तेंदुआ कुएं में गिर गया। लोगों ने वन विभाग को इसकी जानकारी दे दी है। शिरडी में गुरु पूर्णिमा के 3 दिन के उत्सव के दौरान रिकॉर्ड चढ़ावा चढ़ाया। बताया जा रहा है कि साय की हंडी में 3 दिन में 4,47,00,000 रुपए का चढ़ावा आया है। स्पाइसजेट इंडिगो और गो एयर कंपनियां सस्ती टिकटों का ऑफर लेकर आई है। महज 1,699 रुपए में किराए की शुरुआत हो रही है।